Hello friends, welcome to RTS Professional Study. My name is S.K. Rajput. I am Faculty of Accounting and Finance in RTS Professional Study. So, दोस्तों आज मैं आपको Tally RP 9 Volume 2 में बताऊंगा कि कैसे हम अपने अकाउंटिंग को Tally RP 9 में मेंटेन कर सकते हैं. आज मैं आपको वाउचर क्लास के बारे में बताऊंगा, कैसे वाउचर क्लास क्रिएट करते हैं, वाउचर क्लास का यूज़ करके कैसे हम अपने अकाउंटिंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वाउचर क्लास के जरिए आप अपने इनवॉइस की एंट्री को इजीली कर सकते हो, पेमेंट्स की एंट्री को इजीली कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा वाउचर क्लास के रिगार्डिंग. पहले हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि इनमें से मैंने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली ABC. अब हम वाउचर क्रिएट करते हैं. वाउचर क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड है ABC. यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे टैक्स इनवॉइस लिखा, ये जाएगा अंडर द हेड सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट में गया ये और ऑटोमेटिक आ गया. यहाँ पे ऑटोमेटिक के जगह ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे आप आपके पास ऑप्शन है, आप ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो और नन ऑफ द दिस भी कर सकते हो, लेकिन हम ऑटोमेटिक रखते हैं. ऑटोमेटिक रखने में आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देते हैं कि जो इनवॉइस नंबर होगा हमारा 1 से शुरू होगा और ये 2017-2018 होगा. ठीक है, उसके बाद से एंटर करके सेव किया. यहाँ से टैक्स इनवॉइस लिखा एंड ऑफ लिस्ट. यहाँ सेल्स लेंगे 100% होगा और यहाँ आएगा वैट 5%. हमारे जो हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं 5% वैट में आते हैं. ज़्यादातर हमारी जो ट्रेडिंग है वो ब्रास के आइटम है, मतलब हम ब्रास के आइटम सेल कर रहे हैं. जो ब्रास वाले आइटम होते हैं ना, जो पीतल के आपने देखे हैं आइटम, वो आइटम होते हैं ब्रास के आइटम, उसे हम सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे 5% वाला वैट आएगा. फ्रेट ले लेते हैं इसके अंदर एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू. एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू ले ली, उसके बाद आएगा राउंड ऑफ. राउंड ऑफ में लिया, यहाँ भी एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू, यस किया, एंटर करके सेव कर दिया. अब हम इनवॉइस एंट्री में जाएंगे. इनवॉइस एंट्री में गए, एफएड पेस किया, टैक्स इनवॉइस ले लिया. टैक्स इनवॉइस वाउचर क्लास. अब देखो 2017-18 इनवॉइस नंबर 1 ले लिए. पार्टी का नाम ले लेते हैं कोई भी, जैसे मिस्टर एक्स रख लिया हमने. ये सन्ड्री डेटर में, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर रख लिया. सपोज दैट अनरजिस्टर्ड डीलर है, मान लेते हैं. यहाँ पे ये सब डिस्पैच, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी. इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+A करके. अब ब्रास का कोई आइटम है हमारे पास, जैसे ब्रास दीपक है यहाँ पे, तो ब्रास का दीपक ले लिया हमने. ब्रास का दीपक 1 सेल कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसकी वैल्यू 250 रुपये है. तो इसके ऊपर इसने 12.50 रुपये का टैक्स लगा दिया. उस पर शिपिंग चार्जेस 50 रुपये का है, मतलब फ्रैट. और राउंड ऑफ में 0.50 पैसे लेंगे, तो 313 रुपये का हो गया. यहाँ आ जाएगा बिन गुड्स सेल्स. सो आपने देखा कि कैसे हम इनवॉइस की एंट्री को, मिस्टर एक्स के अकाउंट में जाएंगे. आपने देखा कैसे आपने इनवॉइस को एंट्री को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से कर दिया. इस तरीके से आप इनवॉइस की एंट्री घंटों में, न जाने कितने इनवॉइस बना सकते हो आप एक घंटे में, फटाफट इनवॉइस बना सकते हो आप. इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और इससे आपका जो इनवॉइस नंबर है वो भी एक सीरियल वाइज से होगा, ये भी मिसिंग नहीं होगा. ये मैंने आपको बताया टैक्स इनवॉइस का. अब मैं आपको बताता हूँ रिटेल इनवॉइस का. सो मैं आपको बताऊँगा रिटेल इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं. यहाँ लिखेंगे रिटेल इनवॉइस और यहाँ लिया हमने सेल्स के अंदर में इसको. यहाँ भी वही चीज़ ऑटोमेटिक, यहाँ नंबर रख लिया हमने एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में, यस कर दिया. अब आप यहाँ कर सकते हो रिटेल इनवॉइस को, आप यहाँ लिख सकते हो RI, ठीक है, ऑब्लिक 2017-2018, फिर 2018 ऑब्लिक, ये कर सकते हो. ऐसा करके एंटर करते जाओ. यहाँ लिखो रिटेल इन वॉइस एंड ऑफ लिस्ट. यहाँ सेल्स लिया
100%। यहाँ आ जाएगा, रिटेल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अंडर स्टेट को करेंगे या फिर किसी दूसरे स्टेट में करेंगे। तो हम इस पे ले लेते हैं CST। सपोज दैट CST ले लिया मैंने 5%, 5% CST लगा के सेल कर रहे हैं। यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए, यहाँ ले लीजिए CST, यहाँ आ जाएगा 5%। ठीक है, उसके बाद यहाँ वही फ्रैट ले लिया, फ्रैट एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू, यहाँ राउंड ऑफ ले लिया एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर कर दिया, ये सेव हो। अब मैं एक इनवॉइस की एंट्री कर रहा हूँ, वाउचर क्लास में गया, एफ एड प्रेस के सेल्स में गया, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया यहाँ रिटेल इनवॉइस, वाउचर क्लास रिटेल इनवॉइस। यहाँ पे पार्टी नेम आ जाएगा मिस्टर वाई, या मिस्टर एक्स भी ले सकते हो, मिस्टर वाई ले लेते हैं। चलो मिस्टर वाई क्रिएट करते हैं, ऑल्ट प्लस सी मिस्टर वाई, ये आ गया समरी एडिटर में। इसे भी मान लिया हमने कि एक, चलो मान लेते हैं एक कंपोजिट डीलर है, तो यहाँ पे वैट टीन नंबर आपको डालना पड़ेगा, वैट टीन नंबर पता नहीं इसलिए अनरजिस्टर्ड में लेके चलते हैं। चलो ये डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, इसको सेव कर लो, कंट्रोल है। अब ब्रास दीपक जो है मैं इसको बेच रहा हूँ, जो 250 रुपये का है उस पर CST लगा देगा ये 12.5%। ये ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, ये टैक्स नहीं ले रहा है। अब क्यों नहीं ले रहा है, रीजन देखो, आपने वाउचर क्लास में दोनों वो लोकल सेल थी और ये जो है एंटर स्टेट सेल है, तो आपको यहाँ पे सेल क्लास जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब वाउचर क्लास में जाना पड़ेगा फिर से। क्या करेंगे हम, ए वाउचर टाइप अल्टर, यहाँ पे हम गए रिटेल इनवॉइस में, रिटेल इनवॉइस में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो आपको अकाउंट लेना पड़ेगा सेल अकाउंट, ये क्रिएट करना पड़ेगा आपको। यहाँ रखो इंटर स्टेट सेल्स, सेल्स अकाउंट में रखो यस एप्लीकेबल, यहाँ यस करो, यहाँ डिफाइन करो इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, 5% हो गया, फिर सेव कर दिया हमने चीज़ों को, ये सेव हो गया। अब वाउचर क्लास में जाएंगे, एफ एड प्रेस करेंगे, रिटेल इनवॉइस सेलेक्ट किया, यहाँ पे नंबर आ गया मिस्टर वाई, पार्टी सेलेक्ट कर ली, ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी आपको, सेव कर लो। ब्रास का जो दीपक है वो बेच रहा हूँ, एक क्वांटिटी है 250, उसके ऊपर इसने 12.5 रुपये का टैक्स बता दिया और 60 रुपये का फ्रेट है, राउंड ऑफ करके 50 पैसे, 323 रुपये का हो गया विंग गुड्स सेल्स। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हम वाउचर क्लास का यूज़ करके टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस की एंट्री फटाफट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वाउचर क्लास का यूज पेमेंट वाउचर में करते हैं। पेमेंट वाउचर में करते हैं, पेमेंट वाउचर में नहीं, मैं पहले आपको बताता हूँ कि कैसे हम इनवॉइस वाउचर क्लास का यूज परचेज वाउचर में करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाउचर क्लास का यूज परचेज वाउचर में करते हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर क्लास में जाएंगे, वाउचर क्लास क्रिएट करेंगे, तो ए बी सी, यहाँ लोकल परचेज बना लेते हैं, लोकल परचेज, ये परचेज के नाम से बना लेते हैं, परचेज नाम से बनाते हैं वाउचर क्लास। परचेज का ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए डुप्लीकेट एंड लिखा है, इसलिए हम लोकल परचेज के नाम से बनाते हैं।
यहाँ पर्चीज रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे मैनुअली, क्योंकि जो बिल नंबर है वो मैनुअली है, बिल नंबर चेंज हो सकते हैं इसलिए मैनुअल रखते हैं। यहाँ रख लेता हूँ मैं लोकल PUR CHASE परचेज, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ रखा मैंने, क्रिएट कर लेते हैं परचेज अकाउंट लोकल PUR CHASE परचेज, PUR CHASE परचेज अकाउंट। परचेज रखेंगे टैक्सेबल, यहाँ मान लेता हूँ 5% है लोकल वाला, तो हमें इनपुट मिल जाएगा जब हम परचेज करेंगे। तो इंपोर्ट वैट 5% के नाम से क्रिएट कर लिया हमने, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में गया, यहाँ जाएगा वैट, यहाँ आ जाएगा 5%। यहाँ फ्रैट यूजर डिफाइंड एज अ वैल्यू, यहाँ राउंड ऑफ यूजर डिफाइंड एज अ वैल्यू, अब वाउचर एंट्री में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, लोकल परचेज में गए, और सपोज दैट मेरे को बिल आया, यहाँ पे बिल आया रिटेल इनवॉइस ही आ गया, या फिर हमारा बिल नंबर 0112 आ गया, ठीक है। कोई पार्टी है मिस्टर एम से, ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे सेंडरी क्रिएटर के अंदर, रेगुलर है, यहाँ पे वैट नंबर डाल देना, ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी, कंट्रोल सी करेंगे। अब मैंने ब्रास के आइटम खरीदे हैं उससे, 10 आइटम खरीदे हैं, जो मुझे 150 में बिक रहा, 75 रुपये का मेरे को इनपुट मिला, 40-50 रुपये का फ्लैट लगा इसके ऊपर, राउंड ऑफ कुछ नहीं है, एंटर कर दिया, बिल गुड्स सेल्स। तो देखा आपने कैसे हमने इनवॉइस की एंट्री बहुत ही इजी तरीके से वाउचर क्लास के थ्रू करी। अब मैं आपको पेमेंट की एंट्री दिखाता हूँ कि कैसे हम पेमेंट की एंट्री बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अब सपोज दैट हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो चेक के थ्रू और कैश के थ्रू दोनों करते हैं, तो वाउचर क्रिएट कर लेते हैं हम। सबसे पहले वाउचर क्रिएट करने का ए वी, इस बार क्रिएट नहीं करेंगे, अल्टर में चलते हैं, पेमेंट वाउचर में गए, पेमेंट का रखा ऑप्शन, यहाँ रखा ऑटोमेटिक, और यहाँ रखा बाई बैंक, यह SBI बैंक क्रिएट है, बैंक ले लिया, बाई कैश, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट यह रखे हमने कैश, ठीक है। अब मैं एंट्री जाता हूँ एंट्री में, अब जैसे मैंने पेमेंट करी है
किसी पार्टी में, तो मैंने बाई बैंक करी, तो बाई बैंक वाला सेलेक्ट किया, SBI आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, इसने उठा लिया अकाउंट का नाम SBI, ठीक है जी। बाई बैंक सेलेक्ट करते के साथ ही अब पार्टी लेते हैं मिस्टर एम, तो मिस्टर एम से हमने परचेस किया था 1625 रुपये, हमें इसमें से 1500 रुपये चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, बिल पेमेंट टू मिस्टर एम, चेक नंबर 00073। ठीक है, अब मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ बचा हुआ बैलेंस वो कैश में कर रहा हूँ, भाई कैश लिया, ऑटोमेटिक कैश आ गया यहाँ पे मिस्टर एम, 125 रुपये की पेमेंट कैश में कर दिया अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट टू मिस्टर एम। तो कैसे देखा आपने, देखा आपने कैसे वाउचर क्लास का यूज करके हम किसी भी एंट्री को, किसी भी वाउचर को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स को टैली में अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। वाउचर क्लास की और भी वीडियो आएंगी, जरूर देखिएगा आप। मैं वाउचर क्लास के एक सीरीज, मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज ऑफ वाउचर क्लास बनाऊं, जिसके अंदर मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे हम स्टॉक जर्नल का यूज़ वाउचर क्लास में कर सकते हैं, कैसे हम जनरल जनरल एंट्री जनरल वाउचर के अंदर भी वाउचर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रा में भी वाउचर क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और अधिक से अधिक वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब और लाइक भी करें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारा टैली का पेन ड्राइव कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप बुक करा सकते हैं हमारा पेन ड्राइव कोर्स, कोई भी डाउट्स हो कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू।